इस वीडियो में बात करेंगे SBI इंटरनेट बैंकिंग के लॉगिन प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें, क्योंकि काफी सारे SBI यूजर्स बार बार कमेंट कर रहे हैं जब भी मैं SBI इंटरनेट बैंकिंग में अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना चाहता हूं तो मुझे बार बार कुछ इस तरीके का मैसेज आ जाता है, यानी कि एरर आ जाता है, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। पता नहीं क्यों आता, लेकिन बार बार मुझे ये समस्या आ रही है और मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोस्त, आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले रीजन बताऊंगा किस वजह से आपको इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड की प्रॉब्लम आ रही है और इसको आप कैसे 2 मिनट के अंदर फिक्स कर सकते हैं। सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी मैं SBI इंटरनेट बैंकिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, यानी कि उनके ऑफिशियल पेज पर हूँ। यहाँ पर मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ तक कि कैप्चा फिलअप कर लिया, ठीक है। अब आपको सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगा कि ये आपको क्यों प्रॉब्लम आती है, क्यों प्रॉब्लम बार बार इनवैलिड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। देखिए, जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का यहाँ पर ये बताया गया, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ये भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर इनवैलिड यूजर नेम, ये भी आपको दिखाया जा सकता है, जैसा कि यहाँ पर आपने अभी देखा। ओके, इन दोनों में से कोई भी मैसेज आपको देखने को मिल सकता है। अब ये मैसेज क्यों देखने को मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पर 2 रीजन है, वैसे 3 रीजन है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है क्या कि अगर आप यूजर नेम भूल गए हैं, मतलब गलत यूजर नेम डाल रहे हैं, तो भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा अगर यूजर नेम सही है लेकिन पासवर्ड आप गलत डाल रहे हैं तो भी आपको यह प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ओके, एक भी लेटर, एक भी अंक अगर आप पासवर्ड में मिस्टेक कर देते हैं डालने वक्त, तो वहां पर आपको इनवैलिड ही बताया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग कैप्चा भी फिलअप सही तरीके से नहीं करते हैं तो भी आपको इनवैलिड बताया जाएगा। इसके अलावा दूसरा मेन रीजन ये है कि अगर आप अपने इंटरनेट बैंकिंग को, यानी कि जो भी आपके इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी है और पासवर्ड है, उसको आप कई महीनों से यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आपने क्रिएट तो कर लिया लेकिन उसको आप यूज ही नहीं कर रहे हैं कई महीनों से, या फिर 1-2 साल हो गए यूज किए हुए, तो वैसे में आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। और अगर आपका एक बार अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा तो फिर आपको उसको रीएक्टिवेट करवाना होगा, अदरवाइज अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड इनपुट करेंगे तो आपको इनवैलिड ही बताया जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो आपको सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आप सबसे पहले ये चेक कर ले कि आपका यूजर नेम या फिर पासवर्ड सही है या नहीं, याद है या फिर नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं सब कुछ सही है, अगर सही नहीं है तो फिर सही कर लीजिए। अगर आपको रिकवर करने का प्रोसेस पता नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है उसके बावजूद भी मुझे यह प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप एक काम कर लीजिएगा, तो आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा फॉरगॉट यूजर नेम ऑब्लिक लॉगिन पासवर्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा फॉरगॉट करके, फॉरगॉट माई लॉग इन पासवर्ड, ठीक है। तो आपको सिंपल करना क्या है, इस पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर फॉरगॉट यूजर नेम को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ओके, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करना होगा, जैसे कि CIF नंबर, उसके बाद यहाँ पर कंट्री को सेलेक्ट करना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है और इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को डाल करके कन्फर्म यानी कि सबमिट कर दीजिएगा, तो आपका जो भी यूजर आईडी होगा वह आपको दिख जाएगा। एक तो ये स्टेप आपको फॉलो करना है, उसके बाद अब आ जाइए सेकेंड स्टेप में, इसको बैक कीजिए और यहां पर जो फॉरगॉट माय लॉगिन पासवर्ड दिख रहा है अब आपको इसे एज इट इज रहने देना है। अब आपको सिंपल करना क्या है, सिंपल नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद यहां पर अब तो आपको यूजर आईडी पता चल चुका है, ठीक है ना, तो यूजर आईडी पता चल चुका है तो अब आपको यहां पर यूजर नेम इस बॉक्स में फिल करना है, यहां पर आपको अकाउंट नंबर फिल करना है, ठीक है, यहां पर आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है और इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करके और सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर फिल कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पर कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देना है, उसके बाद कन्फर्म। कन्फर्म जैसे ही आप करेंगे नेक्स्ट पेज इस तरीके से आएगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है, मान लीजिए नहीं है, तो फिर आप सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। इन दोनों ऑप्शन के थ्रू आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पर यूजिंग मैं कर लेता हूँ प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा ये सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद सबमिट। थर्ड वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ।
सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट करके सबमिट कर देना है। तो देखिए जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर अब आपको नया लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करने का पेज आ जाएगा। यहाँ पर अब दोनों बॉक्स में आप अपने हिसाब से नया पासवर्ड डाल दीजिए जो आपको याद होना चाहिए, मतलब कि जो ऐसा पासवर्ड होना चाहिए जो आपको हमेशा याद रहे। तो आप यहाँ पर दोनों बॉक्स में सेम पासवर्ड को इनपुट कर दीजिए और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। बस इतना ही करना है, आपका पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद अब जो आपने नया यूजर नेम क्रिएट किया है यानी कि रिकवर किया है और जो पासवर्ड आपने बनाया है वही यूजर नेम वही पासवर्ड के थ्रू अब आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे डिटेल्स को फिलअप कर लिया, यानी कि जो यूजर नेम मैंने रिकवर किया था और जिस पासवर्ड को मैंने क्रिएट किया था वह पासवर्ड मैंने यहाँ पर इनपुट कर दिया। उसके बाद सिंपल आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर आपको OTP कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद सबमिट। तो सबमिट जैसे ही आप करेंगे तो देखिए मैं SBI इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको भी SBI इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करने के दौरान इनवैलिड एरर आ रहा है, मतलब लॉगिन करने में समस्या आ रही है, तो इसी तरीके से आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है ना, बस 2 मिनट के अंदर आपको रिकवर कर लेना है, उसके बाद आप इस प्रोसेस को करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी लॉगिन करने में। लेकिन हाँ, अगर आप गलत पासवर्ड गलत यूजर नेम डालेंगे या कैप्चा डालेंगे तो फिर आपको इनवैलिड का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए।